दोस्तों, मैं हूँ शौनित निशांत और आज हम बात करेंगे कि भारत में कैसे अपने नाम को चेंज किया जा सकता है। हाँ, इसके ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस आप इंडिया में नाम चेंज कर सकते हैं अपना। इसके लिए कुछ आप सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना नाम ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे अपने नाम को आप मतलब लीगली चेंज कर सकते हैं। नाम तो आदमी रख लेता है, निकनेम यूज करता है, लेकिन लीगली कैसे आप नाम चेंज कर। इसके लिए सबसे पहले आपको जो फॉलो करना होगा और इसका स्टेप वन इसका होगा कि आपको अपने लोकल ऑफिस में जाके नेम चेंज का एक एफिडेविट बनवाना होगा रिगार्डिंग टू योर नेम चेंज। और ये किस तरह का होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये चलिए आपको मैं मतलब मैंने सैंपल के लिए करवा के रखा है मैंने, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इस जो स्टाम्प होगा सो कितने का होगा। ये मतलब ये 100 रुपये का स्टाम्प, इसमें स्टाम्प का कोई वैलिड नहीं है, लेकिन कम से कम 100 रुपये का स्टाम्प आपको लगाना पड़ेगा इसके लिए, और एक नोटरी पब्लिक से मतलब इसको करवाना पड़ेगा। ऐसे मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एफिडेविट का सैंपल दिखाता हूँ। यह एफिडेविट जो आपको करवाना होगा, मंजूर इसी ने स्टाम्प आप अपने नोटरी पब्लिक ऑफिस में जाके, जो आपका जहाँ पे आपका ऑफिस होगा मतलब मेन कलेक्ट्रेट होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मंजूरसीद पेपर। 100 रुपये का आप ले लीजिएगा, उसके बाद एफिडेविट का ही सैंपल होगा, इस तरह का एफिडेविट होता है जिसे आप करवा लेंगे। ये इसका फर्स्ट पेज हो गया और ये इसका सेकंड पेज हो गया। ऐसे ये डिपेंड करेगा आपके लॉयर पे कि कैसा वो बनाना चाहता है, लेकिन अगर उनको नहीं पता है या आप चाहते हैं कि आप खुद से अपना मैटर तैयार करें तो यही मैटर होगा। इसी के थ्रू आप अपना कर सकते हैं नेम चेंज। इसका जो दूसरा प्रोसेस मतलब स्टेप टू जिसको आप बोल सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि एफिडेविट करवाने के बाद उस एफिडेविट के रेफरेंस से आप जिस भी एरिया में अपना नाम चेंज करते हैं, मतलब जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस एरिया में आप करना चाहते हैं, उस एरिया के लोकल किसी भी 2 न्यूज़पेपर में आपको अपना एक छोटा सा नाम चेंज का विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा। ये न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के बाद जो तीसरा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका स्टेप है वो है गजट नोटिफिकेशन। आपको अपने नेम चेंज का एडवर्टीजमेंट गजट में पब्लिश करवाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या करने होंगे, मतलब गजट में कैसे पब्लिश होगा, इसके लिए जो स्टेप्स है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो करना पड़ेगा कि मतलब कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा भारत सरकार के, और इसमें आपको गजट में अपना एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कराना होगा मेनली, जो इम्पोर्टेंट है सो। और इसके लिए जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन क्या फॉर्मेट होगा, ये भी मैं आपको सैंपल के तौर पर बताता हूँ। दूसरा था कि क्या एप्लीकेशन भेजना होगा, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के नाम, तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन होगा इसको निकलवाने में आपका कुछ फीस भी होता है जो आपको पेएबल होगा, जो अभी जो रेट है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, वो अगर आप इंडियन हैं तो ये आपके लिए ये 1100 रुपये होंगे, और अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं मतलब NRI है, दूसरे कंट्री से करवाना चाहते हैं अपना नेम चेंज, तो इसके लिए आपको 3500 रुपये पे करने। दो कॉपी आपके नेम चेंज एड मैटर का होगा। ये मैटर किस तरह का होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट फोर है, इसका मतलब है ये 4 नंबर के क्लॉज में ये प्रिंट होता है, तो इसका फॉर्मेट यही है। इसमें आप अपना नाम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आके आपके फादर का नाम होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, पूरे फुल एड्रेस विद स्टेट और उसका पोस्टल कोड, एंड आप इसमें जो आप इसका मैटर है सो आप लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका न्यू नेम होगा सो लिखेंगे। इस यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, इसमें दो विटनेस मतलब होना रिक्वायर्ड है, जिसमें आप विटनेस का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ फुल नेम होगा, उनका फुल एड्रेस होगा, फिर विटनेस नंबर 2 का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ फुल एड्रेस हो, फुल नेम होगा, यहाँ फुल एड्रेस होगा। वो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होगा। 2 ट्रू कॉपी न्यूज़पेपर का होगा, जिस न्यूज़पेपर में आपने अपने न्यूज अपने जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसको पब्लिश करवाया, उस न्यूज़पेपर का 2 ट्रू कॉपी आपको भेजना पड़ेगा और 2 ओरिजिनल कॉपी भेजना पड़ेगा। ट्रू कॉपी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और ओरिजिनल तो आप समझ ही रहे हैं। कर रहा था ट्रू कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, क्या होता है ट्रू कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, तो ये है न्यूज़पेपर का ट्रू कॉपी। मीन्स आपको इसमें जो आपका हेड होता है मतलब मेन पेज होता है, मेन पेज का जो उसका हेडिंग होता है उसको काट के, और फिर जिस पेज पे आपका प्रिंट हुआ है, आपका एड जिस प्रिंट पे आया है, उस प्रिंट का जो ऊपर का जो होगा उसको काट के, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और
उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट होगा उस एडवर्टीजमेंट को आप यहाँ पे करेंगे और एक A4 पेपर पे इसे चिपका देंगे और A4 चिपकाने पर ये बन जाएगा आपका ट्रू कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। आपको एक उसके लिए सॉफ्ट भी जो डेटा आप भेजिएगा उसे सॉफ्ट भी भेजना पड़ेगा, मतलब CD के तौर पर, जिसमें जो आपने हार्ड कॉपी में दिया है उसी को आपको प्रिंट कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में MS Word फॉर्मेट में आपको डाल के वो डालना पड़ेगा, जो उसमें डालना पड़ेगा CD में MS Word फॉर्मेट में, और उसमें जो सिग्नेचर का जगह होगा उस पर आप सिग्नेचर तो कर नहीं सकते डिजिटली, लेकिन हाँ उस पर आप अपना नाम लिख दें, ओल्ड नेम जो आपका होगा वो उसमें आप लिख देंगे। साथ में एक डिक्लेरेशन लेटर भी देना पड़ेगा कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही हैं, और जो सॉफ्ट कॉपी दिया है आपने और हार्ड कॉपी देना है दोनों मैच करते हैं। ये सब कुछ सिंपल प्रोसेस है जिसको करने के बाद टाइम लगता है वो अगर मतलब एक्चुअल टाइम तो 15 दिन भी काफ़ी है, लेकिन पूरे प्रोसेस को करने में आपको एक एप्लीकेशन की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का URL है DEPTPUB.NIC.IN, और उसके बाद आप होम पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली URL को ओपन कर दिया है। चेंज ऑफ नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो टोटल गाइडलाइंस है यहाँ एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड सर्टिफिकेट, चेंज ऑफ नेम ऑफ माइनर, अगर माइनर है तो उसका क्या प्रोसीजर है, चेंज ऑफ रिलीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम या पब्लिक नोटिस का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे है गाइडलाइंस टू पब्लिश, यहाँ पे हो गया आपको गाइडलाइंस फॉर चेंज फॉर नेम एडल्ट के लिए मेजर के लिए, जैसे कि आप अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये इसमें है, इसका टोटली गाइडलाइंस आ जाएगा जैसे कि आप देख भी रहे हैं, गाइडलाइंस है ये टोटल का भी चुका हूँ। एंड टेकिंग ड्यूली साइंड बाय इन एमएस वर्ड एंड टाइप ओल्ड नेम इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर मैंने बताया था, ये भी टू सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ भी आपको लगाना होगा, अ सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट डिक्लेयरिंग देयर एंड दैट द कंटेंट्स ऑफ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आर सिमिलियर, मीन्स दोनों जो आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होगा वो सिमिलियर होना चाहिए, रिक्वेस्ट लेटर अलॉन्ग विथ द रिक्वेस्ट फी, जो उसका फी होगा ये फी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, अगर आप अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक कराते हैं तो मैंने जो फी बताया था 1100 रुपये होंगे, जो आप अगर इंडिया में हैं रेजिडेंट, आप इंडिया में मतलब इंडिया में रह रहे हैं तो आपको 1100 रुपीज पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपको उसके लिए 3500 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा कि कुछ कंडीशंस भी हैं कि क्या इसका कंडीशंस, तो कंडीशंस में आप देख सकते हैं द पर्सन एटलीस्ट 18 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, मतलब माइनर के लिए मेजर के लिए तो ये होता ही है कि 18 इयर्स कम से कम होना चाहिए। उसके बाद के बाद ये आप तो स्टेप जिसका दिया हुआ है टू सर्च का, स्टेप वन सर्च गैजेट में जाना होगा, स्टेप टू सर्च कैटेगरी वीकली गैजेट, उसके बाद स्टेप थ्री होगा इन सेलेक्ट पार्ट एंड सेक्शन पार्ट फोर, उसके बाद चौथा स्टेप होगा इन फर्स्ट कैलेंडर डेट्स ऑन ऑफ सैटरडे टू, सेकंड कैलेंडर डेट ऑफ सैटरडे, स्टेप फाइव होगा डाउनलोड द रिक्वेस्टेड PDF फाइल, यूज कंट्रोल की प्लस F की टू फाइंड योर नेम, मतलब ये सारे ऑप्शन मतलब ये सारे फॉलो ऑप्शन फॉलो करके आप उसका ई पेपर को ई गैजेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हो गया जो मैंने फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपका जो ऐड होगा पब्लिश होगा इसी फॉर्मेट में आपको लिख के और भेजना है, इसको प्रिंट करके आप इस पर टाइप करके आपको अपने फॉर्मेट मतलब इस पर आप हाथ से नहीं लिखेंगे, हैंडराइटिंग नहीं होगा इसको, इस फॉर्मेट में आप प्रिंट करवाएंगे और उसे भेज देंगे।